ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त मैं मेस्को स्कूल के पास हूं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं यहां पर क्यों खड़ा हूं, क्योंकि 100 मीटर की दूरी जो है बनाई गई है। ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इस पट्टी से बाहर जो है हमें जो कुछ भी है हमें करना है। फिलहाल जो है लोग इसी रास्ते से जो है जा रहे हैं यहाँ पर जो है वोट देने के लिए। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, स्कूल के अंदर है पोलिंग बूथ जो है चल रहा है वो। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मन बनाकर आपने जो है गए थे और आपने वोट दिया। हम लोग मन बना के हम लोग अपनी सहूलत के लिए वोट दिए कि हमारे को हर नेता लोग सहूलत करते हर चीज़ के लिए, हमने इसके लिए वोट दिए। हमारे साथ चाचा भी हैं जो है, हम उनसे भी जानते हैं। चाचा जो है, आप अब तक कितनी बार वोट दिए होंगे? मैं हाँ, मैं तो कम से कम 15-20 बार हो गया। बदलाव चाहते तो बहुत बदलाव थोड़ा हुआ है, थोड़ा बाकी है। अच्छा, अब भी जस्ट दे के लाए? 12 नंबर मतलब 12 नंबर पे जो है ये थे, इनका जो है लाइन थी और ये 12 नंबर पे मतदान किए हैं। क्या सोचकर आपने इस बार वोट दिया है? अच्छी सरकार आए। ये पहली बार आपने वोट दिया है या दूसरी बार? नहीं, ये बहुत बार वोट कर चुके हैं, काफी बार वोट कर चुके हैं। इस बार क्या सोचकर वोट किए हैं? बस अच्छी सरकार आवे, होपफुल है सारे काम अच्छे हो। बस वो मतदान को वो तो यही होप रहता है कि सारे जितना भी है, जितने भी लोगों को वोट कर रहे हैं, इतना सुबह सुबह मेहनत करके उठ के आ रहे हैं, नींद तोड़ के आ रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही निकले। इस बार आपने जो है वोट दिए जो है उसमें दिख रहा है आप वोट दिए हैं, लेकिन क्या सोचकर आपने वोट दिया है? मैंने बस ये सोच के दिया है कि एजुकेटेड कैंडिडेट आए और उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मुमरा में धांधलबाजी बहुत हो चुकी है। लोग देख रहे हैं मुमरा के यंगस्टर्स नशे पानी में डूबे हुए, कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो ये चीज़ ख़त्म करे, चाहे जो भी एक्स वाई जेड कहीं से भी आए, बट एजुकेशन वाइज जो मुमरा को ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एटलीस्ट मिनिमम जो रोड सही से होने चाहिए वो, और अगर एक सेंसिबल बंदा आएगा रिलीजियस कम्युनिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर नहीं छोड़ के खाली एजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तभी मुमरा आगे बढ़ेगा। मतलब एजुकेशन की यहाँ पर कमी है? एजुकेशन की एक्चुअली कमी नहीं, स्कूल वूल है, लेकिन बच्चों को उस चीज़ का गाइडेंस नहीं है। मुमरा में अंडर प्रिविलेज लोग बहुत रहते हैं जिनको ये चीज़ की सुविधा या उनके माँ बाप इतना कमा नहीं पाते कि उनको क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। ऑब्वियसली यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ है, बट म्यूनसिपैलिटीज़ का हाल आप हमसे बेहतर जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है। और आपने जो है काम पर वोट दिया है या जो है नाम पर वोट दिया है? जस्ट मैंने इसलिए वोट दिया है क्योंकि मैंने उनको कुछ जितने भी आए हैं मैंने उनको कुछ ना कुछ करते हुए देखा है, इसलिए मैंने उनको वोट दिया है। सेकंड थिंग, मैं चाहता हूँ कि जैसा हम आपको वोट दे के बुला रहे हैं, वैसा मैं चाहता हूँ कि मैंने इन वोमिटन बंदुओं को, मुसलमान पढ़े लिखे लोगों को आज बहुत है मगर एक भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। मेरा खाली इतना है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास सब कुछ है, मगर क्यों नहीं मुसलमान को ना गवर्नमेंट जॉब अलाउ होता है। भारत गेर में मुझे सबसे बुरा धक्का लगा, मेरे दोनों के दोनों भाई दुबई में अच्छी जॉब पे अच्छा कमा रहे हैं, बट मेरा खाली एक चीज़ है कि भारत गेर में मुसलमान होते हुए उनको ना उनका ना जॉब उनको ये कर दिया गया कि मुसलमान बंदों को नहीं मिला भारत गेर की उसमें कंपनी में, उनके पास डिग्री थी, हर चीज़ थी। लोगों के मनसा जो है वो ये है कि जॉब को लेकर जो है कुछ लोग जो है अपनी जॉब को लेकर जो है दिमाग में रख कर, मन में रख कर जो है जॉब को लेकर उन्होंने वोट दिया है। उनका कहना यह है कि यहाँ पर मुमरा शहर में जो लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलता है, ग्रेजुएट जो है वो हैं और वो घर पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पर भी सवाल उठता है कि एजुकेशन पर भी ध्यान देना होगा। आने वाले जो उम्मीदवार होंगे, जिसे भी चुनते हैं लोग, उसको यह चीज़ को ध्यान देना होगा। इस बार हमने काम पे वोट दिया है और हमारे मुमरा कौसा का विकास हो, इसलिए हमने वोट दिया है। मुमरा में क्या ऐसी कमी रह गई है? आपने भी वोट दिया है, क्या क्या मतलब सोचा था आपने जो है, क्या कमी रह गई है वो आप बताइए। कमी तो कुछ ही नहीं है, मुमरा में बहुत अच्छा काम हुआ है, खाली एक कमी रह गई जो नशा है वो बंद करने का अपने। नहीं, नाम पे नहीं, विकास के ऊपर। क्या ऐसी कुछ कमी रह गई है मुमरा में जो होना बाकी है, क्या क्या होना चाहिए आपके साथ? कमी तो बहुत है, सबसे मेन पानी का ही प्रॉब्लम है, कहीं भी पानी सही नहीं है अभी तक जी। और होएगा 10 और क्या मुद्दे हैं मुमरा के? अभी मेन तो यही है, पानी है तो फिर सब कुछ है। सबसे पहले आदमी को वही लगता है, सुबह उठा तो कहाँ जाता है, वो टॉयलेट जाता,
सबसे पहले पानी लगता आदमी को जी। देखिए चाचा का जो है ये उनका कहना है कि जो है कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है और लोग जो है अपनी अपनी वोट तो दे रहे हैं, कीमती वोट तो दे रहे हैं, लेकिन ये उनको सोचना होगा जो इस कलवा मुमरा विधानसभा से जो उम्मीदवार जो आमदार बनते हैं उनको ये सोचना होगा। जो देखिए आप देख सकते हैं कि लोग जो है बूढ़े बच्चे जवान हर कोई जो है पोलिंग बूथ के लिए जा रहा है और वहाँ से आने वाले लोग जो है हम उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर इस बार आप लोगों ने जो वोट दे रहे हैं, जो मतदाता जो अपना मत कीमती दे रहे हैं, वो किस बेस पर दिए हैं और नाम पर दिए हैं या काम पर दिए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि काम पर दिए हैं, हालांकि कुछ लोगों ने सवालिया निशान खड़ा किया है कि यहाँ पर कि नशे को लेकर हमने वोट दिया है कि नशा कम हो जाए, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि पानी की समस्या ज़्यादा है, पानी का यहाँ पर समस्या दूर किया जाए। तो आने वाले जो उम्मीदवार होंगे, जो 24 तारीख को जो जीत हासिल होगी जिस भी उम्मीदवार को, तो वो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि लोगों का जो है जो कमियां हैं वो पानी है और भी सारी समस्या वो बता रहे थे। तो इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।